रूम बुकिंग के लिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है माता वैष्णो देवी में। क्वेश्चंस हैं कि पहुंचेंगे, हो नहीं रहा है, मिल नहीं पा रहा है। सबसे पहली बात तो पूरे परिवार का ध्यान, चाहे आप दोस्त दोस्त मिलके जा रहे हैं या परिवार के साथ जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं, सबसे पहले माता रानी के चरणों में ध्यान रखें। मैं गारंटी कहता हूँ यात्रा सुगम होने वाली है, एट राइट, क्योंकि सबके साथ उस जगह लीला माता रानी की अलग है। सबके साथ ही ध्यान रखना, कोई आसानी से चले जा रहा है, किसी को अरे तुम्हारे को रूम मिल गया, मुझे तो नहीं मिला यार, मैं तो लाइन में लगा रहा, या मेरा तो यार वेबसाइट ही, मेरा तो काम ही नहीं कर रहा था या चलता ही नहीं है वेबसाइट। आती हैं दिक्कतें, आती हैं, बट उस दिक्कतों को आपको ईजी बनाना है, और वो किस तरीके से बनाना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। या तो आपने ट्रेन बुक करी, सुबह पहुँचे, निहारिका भवन गए, रूम लिया, सर दो रूम चाहिए, दो डॉर्मेट्री बेड चाहिए, बुक करा, माता रानी के दरबार गए, दर्शन करे और इजीली सब कुछ हो गया। या आप गलत टाइम पे पहुँचे, जब आपका ट्रेन का टाइम कुछ इवनिंग या रात को पहुँचा, जिस टाइम शायद काउंटर बंद हो जाए, तब क्या करें, और आपको अगर उसी टाइम चढ़ाई चढ़नी है, अगर आपके पास टाइम है तो मॉर्निंग में ही चढ़ाई शुरू करें, अदरवाइज़ शाम को ही करनी है तो शाम को जाएं, शाम को ही चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आप मनोकामना भवन में जाके ऊपर ही पूछ सकते हैं, सर क्या रूम अवेलेबल है, अगर है तो प्लीज़ दे दीजिए। जब चारों तरफ से कुछ ना हो तो उसके लिए भी श्राइन बोर्ड ने दुर्गा भवन खोल दिया है, ठीक माता के जहाँ बाथिंग स्नान घाट है वहीं पर ही आप वहाँ जाके ठीक वहाँ पर देखना, दुर्गा भवन का इतना विराट, इतना बड़ा, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ऑप्शन की कमी नहीं है। सबसे पहली बात तो आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ माता के दर्शन करने जाइए, मन में सिर्फ माता रानी का, माता रानी की गुफा का ध्यान कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। कि आप चाहे परिवार के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज ट्रिप जरूरी है, कहीं भी जाएं फैमिली के साथ रूम होने चाहिए बुक, अब पर्सनल रूम हो तो आपको भरमार है, आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा लाइव जाके कि आप पर्सनल जो प्राइवेट हैं जितने भी वहाँ पे होटल्स, वहाँ पे कौन कौन से में आप रह सकते हैं, जितने भी जगह हैं, और बहुत ईजीली मिल जाता है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, राइट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जितने हैं उनके कितने हैं, उनके निःशुल्क वाले कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई है, बट आपको लाइव भी जाके दिखाया जाएगा। दुर्गा भवन का भी मैं आपको जो निःशुल्क जगह है वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जय माता दी। और इसीलिए आने वाले टाइम में सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज जहां पे ख़त्म होता है वहां से चैनल शुरू होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दीजिए और सिर्फ जय माता दी जरूर रखिए। जो क्वेश्चन है पूछिए, जो मेरा अनुभव है शेयर करूँगा, किस तरीके से जाए हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, आपकी यात्रा सुगम बनाने में अगर हमारा महत्वपूर्ण काम रहा तो ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। जय माता।